सैलरी सर्टे क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक बेस्ट रिक्रूटमेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकला है, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यह रिक्रूटमेंट है। मैं बता दूँ, यह अप्रेंटिस नहीं लिख रहा है यहाँ पे बता रहा है आपका। यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द इंटरेस्टेड कैंडिडेट एंड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए है। तो जो लोग इसमें एलिजिबल हैं, इस ट्रेनिंग को जरूर करें, क्योंकि बेहतरीन इसमें बहुत से ऐसे पोस्ट है जिनके लिए अच्छी खासी इसमें सैलरी आपको मिलेगी। तो आप लोग जरूर एलिजिबल है तो अप्लाई करें। इसमें को पहला मैं बता दूं तो पहला आप देख सकते हैं मेडिकल अटेंडेंट ट्रेनिंग, जो कि मिनिमम मैट्रिक या इक्वावेलेंट यानी कि 10वीं या 10वीं के बराबर आपके पास अगर कोई डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल है। जिसमें आप का सेल नंबर ऑफ सीट बता दूं तो 100 सीट है इसमें, जो कि बहुत बड़ी मात्रा होती है, और 7000 आपको पर मंथ इसमें आप स्टाइपेंड या कह लीजिए सैलरी इसमें मिलने वाला है। सेकंड पोस्ट की मैं बात करूं तो सेकंड पोस्ट है आपका क्रिटिकल केयर नर्सिंग ट्रेनिंग, जिसमें कैंडिडेट मोस्ट हैव डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग या मिड वाइफरी एंड कोर्स फ्रॉम एनी नर्सिंग इंस्टीट्यूट आप उड़ीसा या इंस्टीट्यूट रन बाय सेल प्लांट, तो आप इससे दोनों से किए हैं, या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू बाय नर्सिंग काउंसलिंग के थ्रू, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ सीट का मैं बात करूं तो 20 रहने वाला है और सैलरी आपको 17000 रुपया मिलेगा। तो जो लोग एलिजिबल हैं मैं कहूँगा जरूर आप इसमें अप्लाई कर ले। द कैंडिडेट प्रेजेंटली अंडर गोइंग द 1 ईयर ट्रेनिंग अंडर ASNT या अर्लियर ट्रेनिंग ASCT हु हैव कम्प्लीटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल एक्सपीरियंस विल बी पेटेंट आर केयर टू एलिजिबल। तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद से मैं बता दूँ सके उसके नेक्स्ट पोस्ट में तो एडवांस स्पेशलाइज नर्सिंग ट्रेनिंग ASNT के तरफ से है, जिसमें 15000 आपको सैलरी मिलेगा। इसमें भी आपके पास डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए या BSc नर्सिंग एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट आप रजिस्ट्रेशन इशूड बाय द नर्सिंग काउंसलिंग है, तो आप उसमें एलिजिबल। इसमें भी 15000 आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद से नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर या मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ट्रेनिंग है इसमें, और इसमें 9000 आपको सैलरी मिलेगा। नंबर आप सीट की मैं बात करूँ तो 6 रहने वाला है। 12th वाले इसमें एलिजिबल है विथ PGDCA, जो कंप्यूटर का कोर्स होता है, अगर वो लोग किए हैं तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग का है जो कि 9000, इसमें भी आपको सैलरी मिलेगा। द कैंडिडेट शुड मस्ट पास ए डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT जो कोर्स होता है, अगर आपने किया है तो रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट की मैं बात करूं तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग का है जो कि 15000, इसमें आपको सैलरी मिलेगा। नंबर ऑफ सीट 10 है। द कैंडिडेट शुड हैव पासड MBA BBA PG डिप्लोमा ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। 15000 इसमें भी आपको मिलेगा। OT व असिस्टेंट ट्रेनिंग की मैं बात करूँ तो इसमें इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए और 1 ईयर हॉस्पिटल अटेंडेंट या अनेस्थीसिया अटेंडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम द रिपुटेटेड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल से, तो इसमें आप एलिजिबल है। एडवांस इसी तरह के फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग, रेडियोग्राफी ट्रेनिंग एंड फार्मासिस्ट ट्रेनिंग का ये पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 वर्ष इसमें रहने वाला है। उसके बाद से नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि अप्लाई का इसमें दे रखा है, तो अप्लाई इसका ऑफिशियल साइट पे यहाँ से आपको अप्लाई कर लेना है, जो कि इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्रिंट आउट आप रख लेंगे निकाल के, क्योंकि एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये लगता है। इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो 20/8 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, या 5/8 से अप्लाई शुरू होगा और 20/8 तक आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो इसमें था ये पूरा फुल डिटेल्स। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।